टीआरएस गवर्नमेंट ने इलेक्शन में एक वादा किया था कि 4 महीने के अंदर जीतने, इतना टाइम गुजरने के बाद भी आज कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि 12% मुसलमानों को मिल सकता है। अगर से कि गवर्नमेंट ने सुधीर कमेटी बिठाई है, सुधीर कमेटी यकीनन कारामद साबित होगी, लेकिन सुधीर कमेटी के 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है, अभी 3री बार एक्सटेंशन मिला सुधीर कमेटी को। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो रास्ता इख्तियार किया जाने वाला है केसीआर साहब के सलाहकारों की जानिब से, हो सकता है कि उन्हें जो मशवरा दिया गया है कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट के बाद असेंबली में एक करारदाद मंजूर की जाएगी और मरकज़ को भेजी जाएगी, लेकिन मरकज़ में कोई गारंटी नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत है और गुज़िश्ता 6 महीने के अंदर आप देखे हैं कि रिजर्वेशन को ख़त्म करने की भी बात कही गई थी, तो वहाँ से कोई तवक्को नहीं मिल सकती। इसीलिए हमारा मुतालबा या सियासत की तरफ से जो कैंपेन चलाई जा रही थी उसमें यही मुतालबा किया जा रहा है कि आप जो भी रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं बीसी कमीशन के जरिए अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक नज़ीर बन के, तेलंगाना रियासत मिसाल बन के आगे बढ़ सकती है और इसकी तखलीद करने पर दूसरी रियासतें भी मजबूर हो जाएंगी। तो हमारा मुतालबा यही है कि आप बीसी कमीशन कायम कीजिए और जो भी रिजर्वेशन मिलता है, जो भी परसेंटेज मिलता है, अगर कम मिलता है 12 से तो बाकी का हासिल करने के लिए आप मरकज़ को जाइए, पहले आप बीसी कमीशन से जो भी परसेंटेज मिलता है वो देने की आप बात कहिए। आज कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे 12% की मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए या इसमें और जान डालने के लिए दस्तखती मुहिम शुरू हुई है जिसमें 10 लाख दस्तखतें जमा करने की बात कही जा रही है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे साइन मेरी भी अपनी दस्तखत यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ उसमें, और ताकि ये 12% की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। रिजर्वेशन पर अपना सिग्नेचर कैंपस शुरू करें, आज गांधी भवन में जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब, सियासत के एडिटर, न्यूज़ एडिटर आमिर रेड्डी साहब, तारिक खादरी साहब और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का मुतवा किए थे इनॉग्रेशन के लिए। अब हम जो है कल से जो है डोर टू डोर जाएंगे, कल एक माइनॉरिटी कमीशन के पास एक कंप्लेन देंगे पिटीशन के द्वारा, और हम जितना हो सका डोर टू डोर जाएंगे। हमारा इरादा है कि 10 लाख साइन कलेक्ट करें और इसको CM दें। अच्छा साहब, ये गैर BJP हुकूमतों में जिस तरीके से रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है उसकी मिसाल आपके सामने महाराष्ट्र की है, तो क्या यहाँ पे ये लोग जो है सो अगर आप लोग इसके ये एहतजाज अगर इसको कंटिन्यू करके आप 12% तक लाएंगे भी, अगर अपनी असेंबली में इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आपको मौका दें? देखिए साहब, आपने असेंबली में देखा कि KCR साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से बात बोले कि मैं बहुत होमवर्क करके कुछ भी काम करता हूँ। अब ये तो हम आप उन्हीं से बोलना कि आपने क्या होमवर्क किया था कल के दिन, आप जो है वादा जो किए थे कि 4 महीने में हम जो है आने के बाद हम ला के दे देंगे 12% तमिलनाडु की शक्ल में दे देंगे। आज 21-22 महीने हम लोग आ रहा सुधीर कमीशन, ये कमीशन खाली टलाते जा रहे हैं, टलाते जा रहे हैं, देने का मकसद है या नहीं? और जहाँ तक सवाल है आप जो बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत जो है इसको देंगे या नहीं देंगे, ये तो KCR साहब की जिम्मेदारी है कि आपने कहा था कि मैं दिलाऊँगा और मैं कैसा भी लूँगा, और उसी वजह से जो है हमारे अखिलती जितने भी है सेकुलर माइंडेड जितने भी हैं सब ये चाहे थे कि भाई चलो 12% से मुसलमानों की माशियत सुधर जाएगी, सब जने उनको वोट किया। अब उनका काम है कि वो वोट की लाज रखें। चाहिए तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस के जो MLA थे वो लोग रिजर्वेशन के लिए 12% कुछ आवाज़ नहीं उठाए थे असेंबली। प्रेसिडेंट जो है ऑलरेडी इस पर बोले हैं, शबीर भाई काफ़ी इस पर MLC में काउंसिल में इस पर आवाज़ उठाए। CM साहब का ये कहना है कि मैं दूंगा, कब दूंगा मेरे को नहीं बोल रही, टाइम दो मैं दूंगा। कांग्रेस की तरफ से तो आवाज़ उठाई, BCC प्रेसिडेंट खुद उठाए, काउंसिल में शबीर भाई उठाए, अब इंशाल्लाह रोडों पे हमले करेंगे। एहतजाज को गरमाया जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 20 अप्रैल तक हम इसको बहुत वो करेंगे। 20 अप्रैल के दिन 2 साल पहले 20 अप्रैल के दिन ही शायद शादनगर पे CM साहब ने ये वादा किया था कि मैं मुसलमानों को 12% दूँ। हम उस दिन 20 अप्रैल के दिन बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगे
20 अप्रैल को जो करेंगे 19 अप्रैल को आपको बताएंगे। ओके।